द फुड डायरी ऑफ सुरेखा में मैं सुरेखा आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी, तो चलिए बनाते हैं। मसाला भिंडी बनाने की सामग्री इस प्रकार है। पाव किलो भिंडी को इस तरह काट लें। दो प्याज, दो टमाटर की पेस्ट, तेल, जीरा, लाल मिर्च की पाउडर, हींग, नमक स्वाद के अनुसार, किचन किंग मसाला, दही, हरी धनिया। सबसे पहले गरम तेल में इन भिंडियों को हम फ्राई कर लेंगे। ये सारी भिंडियां मैंने तल ली है और इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद थोड़ा सा हींग। सारे प्याज को डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी तरह से भून गए हैं। अब मैं उसमें टोमेटो की पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से भून लो। टमाटर भी अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और सामग्री में मैं हल्दी दिखाना भूल गई थी। लाल मिर्च की पाउडर, अब इसमें हम दही डालेंगे और दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें फ्राइड भिंडी डाल रही हूँ। अब सारी भिंडियों को इसमें डाल देंगे। अब किचन किंग मसाला डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ। टेस्ट बैलेंस करने के लिए आप थोड़ी चीनी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब देखिए सब्जी में उबाल आ गया है और हमारी मसाला भिंडी तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। तो इसी तरह आप भी बनाइए मसाला भिंडी और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज द फूड डायरी ऑफ सुरेखा को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां भी मैं नई नई रेसिपीज को शेयर करती हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।